morning to all. How are you all? I think your summer vacations are going on well. आपके क्या है छुट्टियाँ हैं अच्छे तरीके से आप क्या हैं जिससे मैं इन्जॉय कर रहे और उन्हीं छुट्टियों के दौरान हम हमारी एक मेन जो है टारगेट है मेन जो कोशिश है वो यही है कि आपको जो एजुकेशन है एजुकेशन की कड़ी से क्या है जोड़ के रखा जाए ताकि आप क्या छुट्टियों में उसको बिल्कुल भी क्या है उसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, अब हम क्या है जो क्लास ट्वेल्थ का लर्निंग ऑफ बुक से क्या है जो हमने फर्स्ट चैप्टर प्रीवियस डे स्टार्ट किया था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर था द लास्ट लेसन रिटन एंड कंपोज्ड बाय ए ग्रेट ऑथर अल्फोंसो डॉलेट के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर था। हम थोड़ा सा क्या रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में। लिटिल फ्रेंच जो है लिटिल फ्रेंच क्या है वो ही वाज इन ग्रेट हरी वो क्या बहुत ज्यादा क्या जल्दबाजी में उसने लेट फॉर स्कूल स्कूल के लिए क्या है लेट हो सकता है और वो जल्दी जल्दी क्या है तेजी से स्कूल की तरफ जा रहा है और उसके रास्ते के अंदर उसके मन में ख्याल आते हैं टू स्टे आउट ऑफ डोर्स है लेकिन मतलब कई बार रुकने के उसके क्या मन में विचार आते हैं। दैट टाइम द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग एट द बैक साइड ऑफ द फील्ड वी कैन से बैक साइड ऑफ द सो मिल के बैक साइड में क्या पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, एंड देयर वाज अ ह्यूज क्राउड एट फ्रंट ऑफ द ब्लडिंग बोर्ड इन टाउन हॉल और टाउन हॉल में क्या ब्लडिंग बोर्ड के सामने क्या बहुत ज्यादा गैदरिंग थी एंड विदाउट स्टॉपिंग ही लुक्ड एट द ब्लडिंग बोर्ड ही लुक्ड एट द क्राउड एंड थिंक इन हिज माइंड दैट व्हाट हैपेंड क्या हो गया कि ये सारे इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। ए वेक्टर नाम का जो ब्लैकस्मिथ है ही कॉल्ड आफ्टर हिम बट उसके पीछे से क्या आवाज मारता है बब व्हाई आर यू गो सो फास्ट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम यू कैन गो ईज आप क्या आसानी से क्या जा सकते हो। अब हम आगे इससे आगे क्या पढ़ेंगे क्या चीज है क्या लगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स और बुक्स को अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम क्या है पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू द बुक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी आई थॉट जब उसने कहा मेरे पीछे से आवाज लगाई आई थॉट मैंने सोचा ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी मेकिंग फन ऑफ मतलब मजाक उड़ाना मेकिंग फन ऑफ मजाक कर रहा कि मुझे लगा कि वो मुझे मेरा क्या मजाक कर रहा है। जब वो पीछे सुनने आवाज लगाई मैंने सोचा कि वो पीछे जो क्या है मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है इसलिए क्या बोल रहा है। एंड लीज एंड हैमल लिटिल सिगारन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ एंड लीज और मैं क्या पहुंचा है लिटिल गार्डन एंड हैमल के जो लिटिल गार्डन में क्या मैं पहुंचा और आउट ऑफ ब्रेथ क्या होता है गैस्पिंग हाफते हुए सांस जैसे आप क्या है जल्दी चल के जाते हो दौड़ के जाते हो तो आपके सांस फूलने लग जाती है ना तो उसी प्रकार वो भी क्या है गैस्प करता हुआ और आउट ऑफ ब्रेथ जो क्या है वो पहुंचा आउट ऑफ ब्रेथ नीच से गैस्पिंग हाफते हुए क्या है वो मिस्टर एम हैमर की क्या है लिटिल गार्डन के अंदर पहुंचा। एम हैमर के बारे में आपको पहले ही बता था कि एम हैमर कौन था। एम हैमर जो लिटिल फ्रेंच है उनका क्या है फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था क्या था फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था लास्ट 40 इयर्स ही हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस फॉर लास्ट 40 इयर्स यूजुअली अक्सर व्हेन स्कूल बिगेन जब भी स्कूल क्या बिगेन शुरू होता है स्टार्टिंग होती है स्कूल की देयर वाज अ ग्रेट बसर बसर क्या होता है हसल एंड बसर वी कैन से ग्रेट बसर मतलब बसर होता है नॉइजी एक्टिविटी बसर क्या होता है नॉइजी एक्टिविटी नॉइज शोर शराबा जिसे कहते हैं जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो बच्चे क्या है बहुत ज्यादा शोर शराबा स्कूल के अंदर सुनाई देता है वो किन किन चीजों क्या है विच कुड बी हर्ड
आउट इन स्ट्रीट विच कुड बी हर्ड, जिसे क्या सुना जा सकता था, आउट इन स्ट्रीट, तो स्ट्रीट में गली में बाहर गली में क्या है उस शोर शराबे को हम महसूस कर सकते थे, सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को, डेस्क को क्या ओपनिंग, कभी इधर या फिर क्या उसको सेटल करने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क के जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो आवाज उसकी सुनाई दे। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन बच्चे क्या है जोर जोर से क्या लेसन रिपीट करते हैं, दोहराते हैं डेस्क को इन यूनिसन। इन यूनिसन क्या होता है, टुगेदर, एक साथ, इन यूनिसन मतलब ऑल टुगेदर, बच्चे क्या है एक साथ क्या कोई भी लेसन को रिपीट करते हैं जोर जोर से क्या रिपीट करते हैं, और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी क्या बाहर आउटसाइड स्ट्रीट में सुनाई देता है। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, बहुत तेज, विद आवर हैंड्स, आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। वेरी लाउड मतलब यूनिसन में जब बोलते हैं वेरी लाउड, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, हमारे जो हाथों में क्या ओवर आवर ईयर, कानों में रख के क्या जोर जोर से क्या लेसन को रिपीट करते थे, वो जो आवाज थी वो भी क्या आउटसाइड स्ट्रीट बाहर स्ट्रीट के अंदर सुनाई दे रही थी। इसलिए आप करते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे तरीके समझने के लिए, मतलब यूनिसन से जोर से कोई भी लेसन जो है हम पढ़ रहे हैं, मतलब जोर जोर से पढ़ रहे हैं, लाउड भी पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा लेसन है अच्छे तरीके से समझ में आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का क्या है ग्रेट रूलर, रूलर क्या होता है स्ट्रिक्ट, एक जो आप स्केल या स्ट्रिक और रोलर फ्रॉम रूलिंग लाइंस, रूलिंग लाइंस भेजने के लिए जिसको रेकर बोलते हैं, या क्या आप फोटा कह सकते हैं इसको, फट्टा बोल सकते हैं, वो भी क्या क्या कर रहा था टैपिंग, रैपिंग, रैप में शब्द फटाना मारना है, फटाना मारना है, तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या ठीक है रैपिंग कर रहा था एक रूलर को, क्या थंपिंग कर रहा था, थंपिंग कर रहा था, थंपिंग मतलब मारना, टेबल के ऊपर क्या ऐसे मारना कर रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन नाउ अब क्या है इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल मतलब शांत, साइलेंट, अब सारा सारा क्या है मोशनलेस वीकेंड से साइलेंट, सारा सारा बिल्कुल शांत हो गया था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन, मैं पहले क्या है काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन क्या था यहाँ पे, इस काउंटेड ऑन का मतलब क्या लिया है डिपेंडिंग ऑन, मैं खुद क्या डिपेंड था उस पर, निर्भर था उस पर, क्या निर्भर था द कमोशन, कमोशन क्या होता है बेटा जो सडन या शॉर्ट पीरियड नॉइज, जो सडन या शॉर्ट पीरियड का नॉइज जो कंफ्यूज करता है ना वो कमोशन है, कि क्या उस पर निर्भर था। काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो मैं भी क्या मेरी जो डेस्क थी बगैर कोई भी क्या शोर शराबे के वहां जाने के लिए क्या मैं खुद इस चीज के लिए क्या डिपेंड था, इस चीज के लिए मजबूर था, एक तरह से मैं सोच रहा था कि विदाउट कोई भी सीन, कोई भी मुझे ना देखे, बिना शोर शराबे के मैं अपने डेस्क के ऊपर पहुंच जाऊं। बट ऑफकोर्स देखिए निसंदेह दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या एवरीथिंग जो प्रत्येक एवरीथिंग हैड प्रत्येक जो चीज थी हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी ज्यादा स्टील, इतनी ज्यादा शांत थी, इतनी ज्यादा मोशनलेस थी एज संडे मॉर्निंग, जिस प्रकार से क्या संडे की मॉर्निंग को होता है। अब बेटा देखो संडे की मॉर्निंग को क्या कोई भी शोर शराबा नहीं होता है स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे जब आते हैं शोर शराबा तब होता है। अब सैटरडे को ऑफ हो जाता है, सैटरडे को जैसे ही ऑफ होता है संडे को मतलब वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, छुट्टी पे क्या कोई भी शोर शराबा नहीं होता है स्कूल के अंदर, वो उस दिन का माहौल ऐसा था, वो भी क्या संडे मॉर्निंग की तरह क्या दिखाई दे रहा था। थ्रू द विंडो और खिड़की से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने क्या आई सॉ मैंने देखे माई क्लासमेट, मेरे जो क्लास फेलो थे क्लासमेट थे जो उनको देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही है ऑलरेडी मतलब पहले ही है इन देयर प्लेसेस, अपने स्थानों में पहले ही है जा चुके थे बैठ चुके थे। एंड एम हेमन वॉकिंग अप एंड डाउन, एंड एम हेमन और एम हेमन जो
अब वॉकिंग हो चल रहा था अप एंड डाउन इधर फिर वापस क्या इधर ऐसे अप एंड डाउन मतलब ऊपर या नीचे क्या चल रहा था उस प्रकार से एक अप एंड डाउन यहाँ पे इसलिए दिया गया बेटा जो आगे पीछे कैसे क्लियर रखने का क्या है थोड़ा सा यहाँ पे दो दो उससे थोड़ा सा ऊंचाई बना देते हैं आपके साइड के लेंथ की तरफ चल रहा था विद हिज टेरिबल आयरन रूलर टेरिबल मतलब भयानक उसका जो मतलब भयाग है आप कह सकते हो या हॉरिबल कह सकते हो जो भयाग है जो आयरन रूलर का जो लोहे की जो रूलर था जो स्केल था अंडर हिज आर्म अपने क्या आर्म बाजू के नीचे लिख के वो चल रहा था इधर उधर क्या वॉक कर रहा था मतलब भयाग था आई हैड टू ओपन द डोर आई हैड टू ओपन द डोर मुझे क्या दरवाजा खोलना पड़ा था And going before everybody, और मुझे क्या है सबके सामने जाना पड़ा बिफोर एवरीबडी प्रत्येक सबके सामने मुझे क्या है जाना पड़ा यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज यू कैन इमेजिन इमेजिन मतलब कल्पना करना तुम कल्पना कर सकते हो हाउ आई ब्लस्ट ब्लस्ट मतलब बिल्कुल पिंक देखकर से क्या लाल हो जाना जो मतलब आप कह सकते हो एकदम से क्या पिंक हो जाना फेस का चेहरे का क्या लाल हो जाना ड्यू टू इंबैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी से शर्मा के क्या लज्जा से एकदम से क्या चेहरा लाल हो जाना रेड हो जाना चेहरा वो क्या होता है ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज और फ्राइट हॉरिबल आप कह सकते हो और कितना भयभीत था मैं मतलब उस समय क्या है मैं बहुत ज्यादा क्या भयभीत महसूस कर रहा था कि किस प्रकार से क्या कैसे कैसे मेरे साथ व्यवहार हो रहा था उस दिन कोई भी क्या नहीं बोल रहा था और संडे मॉर्निंग की तरह दिखाई दे रहे थे सब कुछ तो मैं क्या बहुत ज्यादा क्या डरा हुआ था कि ऐसा कैसे माहौल कैसे चेंज आ रहा बट नथिंग हैपेंड लेकिन क्या नथिंग हैपेंड कुछ भी नहीं बनी हुआ एंड एमएल सो मी एंड एमएल क्या सो मी सीन्स देखा सो मैंने देखा एंड एमएल ने क्या कैरेक्टर देखा एंड सेड वेरी काइंडली और उसने कहा बहुत ही काइंड दयालुता से क्या उसने ग्रेटफुली मेरे को क्या कहा गो टू योर प्लेस क्विकली कि अपने स्थान पे जाओ क्विकली जल्दी से अपने स्थान पे जाओ लिटिल फ्रेंड छोटे लिटिल फ्रेंड आप अपने स्थान पे जाओ वी वर बिगिनिंग विदाउट यू वी वर बिगिनिंग मतलब हम शुरू कर ही रहे थे विदाउट यू आपके बगैर ही क्या शुरू करने जा रहे थे हम मतलब लेसन को क्या शुरू करने जा रहे थे जल्दी से जल्दी क्योंकि आप क्या है वो भी एक प्लेस अपने स्थान पे जाओ वहां पे जाकर क्या है बैठ सकते हैं आई जंप ओवर द बेंच और मैंने क्या जंप किया उछला ओवर द बेंच बेंच के ऊपर से क्या मैं उछल के क्या गया ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माय डेस्क और मैं क्या अपनी डेस्क के ऊपर क्या बैठ गया डेस्क के ऊपर बैठ गया नाउ टिल देन और नाउ टिल देन नॉट टिल देन और तब तक नहीं नॉट टिल देन सॉरी तब तक ही when I had got a little over my pride तब तक क्या है I had got a little over my pride मेरे जो भय है तब तक ही क्या मेरे अंदर जो भय था उस पर मैंने क्या है बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगा कि भय भी नहीं होना चाहिए उस टाइम तक मेरे अंदर क्या भय था Did I see that our teacher had on his beautiful Did I see that क्या मैंने ऐसा देखा था Our teacher had On his हमारा जो टीचर है on his beautiful वो अपने जगह बहुत ज्यादा क्या सुंदर green coat तो जो क्या हरे रंग के क्या जो coat पहने हुए हैं his frilled shirt उसकी जो frilled होती है झालर झालर लगी हुई थी लटकन से उठे उसकी frilled shirt थी and a little black silk cap और जो little छोटी कैप काली जो silk की क्या cap थी all embroidered तो मतलब जिसके ऊपर क्या कढ़ाई की सारी सारी एम्ब्रॉयडर की कढ़ाई की गई थी दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट जिसको क्या वो कभी नहीं पहनता था एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइस डे इंस्पेक्शन का निरीक्षण करना मतलब उन उस हैट को उस ग्रीन कोट को वो केवल कब पहनता था जब वो किसी निरीक्षण पे आता था जाता था कहीं आता था या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता था जब प्राइस क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनता था नहीं बैठ स्कूल
बिसाइड इसके बजाय द होल स्कूल सारा जो स्कूल था सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम सारा जो स्कूल था इतना ज्यादा स्ट्रेंज अजीब एंड सॉलम मतलब एकांत को दिखाई दे रहा था बट द थिंग लेकिन जो चीज थी दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी जो चीज थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा क्या सरप्राइज किया क्या टू सी द मोस्ट जो सबसे ज्यादा सरप्राइज किया ऑन द बैक बेंचेस जो पीछे वाले जो बेंचेस थे दैट वाज ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा क्या एम्प्टी मतलब खाली रहते थे द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइट लाइक ऑब्जर्वर और जो विलेज गांव के जो लोग थे सिटिंग देवर सिटिंग वो बैठे हुए थे क्वाइट बिल्कुल शांत तरीके से क्या हमारे तरह बैठे थे ओल्ड पोशर जो बूढ़ा जो पोशर था विद हिज थ्री कॉर्नर हैट अपनी क्या तीन कॉर्नर क्या जो हैट पहने हुआ तीन कॉर्नर क्या हैट पहने था द फॉर्मर मेयर और जो पूर्व मेयर था द फॉर्मर पोस्ट मास्टर और जो पूर्व पोस्ट मास्टर था एंड सेवरल अदर बिसाइड और जो अन्य दूसरे और भी क्या है अन्य भी क्या है उनके साथ ही क्या बैठे हुए थे एवरीबॉडी लुक्ड सेड सारे के सारे क्या है प्रत्येक इंसान क्या है दुखी दिखाई दे रहा था एंड होशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड ट्रैकर वो जो होशर था हैड ब्रॉट प्रिंस लाना ब्रॉट पहन लाया वो क्या लाया वो था एंड ओल्ड ट्रैकर एक ओल्ड पुराना क्या प्राइमर प्राइमर का आप कैसे छोटा एक स्मॉल बुक कह सकते हो छोटी जो कायदा है वो थी कह सकते हो उसको ले गया वो था थंब थंब एट द एज जिसके क्या अंगूठे के निशान थे ऑन द एज किनारे के ऊपर क्या अंगूठे के निशान थे एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज एंड ही हैड इट और इसने रख रखा था ओपन खुला रख रखा था ऑन हिज नीज इज मतलब अपने घुटनों को उसने क्या रख रखा था विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल लाइंग अक्रॉस द पेज और अपने पेजों को ऊपर क्या स्पेक्टेकल्स अपने जो चश्मे थे उनको क्या उन पेजों के ऊपर क्या उसने रख रखा था इट इज द डिस्क्रिप्शन मतलब जो सबसे ज्यादा उसको हैरानी कब हुई सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि जब शांत मौसम था सब कुछ शांत था लेकिन उसको हैरानी इस बात पे हुई कि उस दिन कुछ अनयूजुअल था स्कूल के अंदर कि सारे के सारे क्या है स्कूल में कुछ नए जो ग्रामीण गांव के लोग थे ओल्ड पोस्टर था और पूर्व जो पोस्टमैन था या जो भी पुराने पुराने नए नए क्या मेन मेन क्या है लोग थे गाँव के सारे सारे उनके पीछे बैठे हुए थे सारे सारे पीछे बैक बेंच में बैठे हुए थे ओके आज के लिए इतना ही काफी है ठीक है आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में करेंगे हाँ सबसे पहले क्या है आप इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करके लाने की व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग दैट डे उस दिन क्या है अनयूजुअल थिंग क्या थी उस दिन आपको ये क्वेश्चन का क्या आंसर फाइंड आउट करके लाना है इन अराउंड 100 वर्ड्स ओके ओके हैव ए नाइस डे